राजौरी में जो शहादतें हुई उनमें से एक सिद्धांत छेत्री जी भी थे जो दार्जिलिंग के रहने वाले थे, और उनकी कहानी सुनकर पता नहीं कितने लोग आज रात को सो पाएंगे। बड़ी ही दर्द है उनकी कहानी में। 2 महीने पहले इनकी शादी हुई थी और 15 दिन पहले ही अपने घर पर थे और ड्यूटी पर गए, और एकदम से घर पे खबर आती है कि सिद्धांत छेत्री जी नहीं रहे। प्रणाम सभी को, राम राम। राजौरी का जो एक बड़ा एनकाउंटर जिसके अंदर हमारे 5 शूरवीर जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया भारत माता के लिए, जहां हमने अखनूर से आपको बताया था कि जम्मू के अखनूर के रहने वाले नीलम सिंह जी, उन्होंने एक बड़ा बलिदान दिया, वहीं उनके साथ 4 और शूरवीर भी थे, जिनमें से एक मैं आपको बता दूँ, सिद्धांत छेत्री जी। सिद्धांत छेत्री जी दार्जिलिंग के रहने वाले थे, और इनकी जो स्टोरी है ना, वो बड़ी ही बहुत ही ज़्यादा आप सुनेंगे तो बहुत दर्द है उस स्टोरी में। 2 महीने पहले ही सिद्धांत जी की शादी हुई थी और ठीक 15 दिन पहले ही ये ड्यूटी पर गए थे, और क्या पता था कि 2 महीने की पहले शादी हुई थी, 15 दिन पहले घर थे, और उसके बाद इतना बड़ा एनकाउंटर हो जाता और उस एनकाउंटर के अंदर सिद्धांत छेत्री जी की उसमें बलिदान हो गया। सिद्धांत छेत्री जी के बारे में उनके जो भाई दार्जिलिंग के अंदर जो लोकल मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने पूरी जानकारी दी, जो उनके बड़े भाई ओम प्रकाश छेत्री जी जो खुद आर्मी से रिटायर होके आए, उन्होंने कहा कि जो सिद्धांत छेत्री हैं वो अपने स्कूल टाइम से ही इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे, और इंडियन आर्मी के लिए उनका इतना जज्बा था, देश के लिए कुछ करने का उनमें एक बहुत बड़ा जज्बा था, और उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे घर में बड़ी खुशियां आई थी, 2 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी, और शादी के बाद बड़ी खुशियां थी घर में, और 15 दिन पहले ही इस एनकाउंटर के 15 दिन पहले वो घर पर थे, और घर के बाद जब वो ड्यूटी पर जाते हैं तो 15 दिन के बाद ही खबर आती है कि राजौरी के अंदर एक बड़ा एनकाउंटर होता है और उसके अंदर 5 हमारे शूरवीर जो हैं उनकी शहादत हो जाती है। इनमें से एक सिद्धांत छेत्री जी थे, बड़े ही शूरवीर, इंडियन आर्मी के लिए जान देने वाले, और बचपन से ही इंडियन आर्मी का साथ, अपने आप को अपने शरीर के ऊपर इंडियन आर्मी की वर्दी देखने वाले एक ऐसे शूरवीर थे। हम लोग, खास करके जम्मू कश्मीर के लोग, कभी भी सिद्धांत छेत्री जी के बलिदान को कभी नहीं भुला सकते। हम ऋणी हैं दार्जिलिंग के शूरवीर सिद्धांत छेत्री जी के, और उनके परिवार के साथ हम सब लोग खड़े हैं। आज भी देखिए, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, और इस तरह के हरकतें और इस तरह के हमले लगातार कश्मीर में और जम्मू में करने की कोशिश करता है, लेकिन इनको बख्शेंगे नहीं। इसी एनकाउंटर के अंदर एक टेररिस्ट को भी मार दिया गया है और एक घायल है, जल्दी उसकी भी खबर आएगी। फिलहाल मैं कहूँगा आप सभी लोग मेरे साथ सिद्धांत छेत्री जी को श्रद्धांजलि दें। सिद्धांत छेत्री जी अमर रहें। राम राम।